हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से एक और रेसिपी लेके आई हूँ। और आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और जो कि करंजी है और हम सबका बहुत ही फेवरेट रहता है। दिवाली है और आज धनतेरस है, साथ साथ मैं आप सबको धनतेरस की विश करना चाहती हूँ, हैप्पी धनतेरस। और तो आइए हम रेसिपी देखते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी, बहुत ही अच्छा है। ये मावा लिया है मैंने यहाँ पे 1 kg का, तो मैंने मावा को अच्छे से भून लिया है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। हम सारी सामग्री एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोट लिया है, आप पाउडर वाला जो रेडीमेड सोट होता है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अक्खा सोट होता है मैंने वो लिया है। इस तरह से उसको किसी में प्लास्टिक पॉलिथीन में डाल के मैंने उसको कूट के थोड़ा सा उसका पाउडर बना लिया और मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। इस तरह से आप देख रहे हो ये पाउडर दिख रहा है, और जो उसका भूसा है वो मैंने रख लिया है, जब चाय बनाऊँगी तो उसमें आप डाल दूँगी। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गया, और मैंने जो मावा लिया था यहाँ पे भून के अच्छे से एक बर्तन में रख लिया है। यहाँ पे सोट है वो मैंने उसमें डाल दिया है। हमें बस कुछ नहीं करना है, जो भी सामग्री उसको हमें भून के निकाल लेना है ताकि हमें वो ख़राब ना हो काफ़ी टाइम तक। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिया है, काजू, बादाम, पिस्ता, मुनक्का, ये सब लिया है। आप जो भी चाहिए आपकी पसंद का वो ले सकते हो। मैंने इन सबको थोड़ा थोड़ा करके भून लिया है। आप तेल में, घी में, जिसमें भी चाहो भून सकते हो। मैंने इसको हल्के हल्के भून के बस इसे अभी ठंडा होने के लिए भी साइड में रख दिया है, हम इसे बाद में पीसेंगे मिक्सर में। तो फिर मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये इलायची और लौंग था वो मैंने थोड़ा सा कूट के ले लिया था वो। यहाँ पे मैंने नारियल लिया है, आप ऐसे कट कर करके नारियल भी उसको ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर जो घी अपने ग्रेटर से घिसते हैं आप वो भी ले सकते हैं, जो अवेलेबल लगे आप वो। ये थोड़ा इजी है तो आप इससे कर सकते हो। इसे भी मैंने तेल में थोड़ा सा घी में आप ले सकते हो। अब इसे घी में ही भूजना, वो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसे भूजना है अच्छे से बस, और इन सब को ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो इसे उसको भी थोड़ा सा मैंने मिक्सर ग्राइंडर में कूट लिया था। और थोड़ा जो नहीं हो तो आप जो मूंग में भी थोड़ा पीसेस आए तो वो भी अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे देखो आपको दिखाया कि उसमें भी ऐसे किसी से भारी चीज़ से कूट सकते हो। ये सब हो गया, ये सब कुछ प्रोसीजर हो गया है। यहाँ पे हमने रवा लिया अच्छे से साफ़ करके, रवे को भी अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पे, और इसे भून के भी हम एक साइड निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख लेना है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, थोड़ा सा बेसन लिया है वो भी उसे भून के अच्छे से प्लेट में निकाल लेना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत मेहनत वाला काम नहीं है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। बस इतना है कि जितने भी सामग्री हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, हम जितना भी उसका स्टफ़ यूज़ करेंगे, बस हमें इसे भूजना है अच्छे से ताकि थोड़ा टाइम तक चले। ये नहीं कि 2 दिन में ख़राब हो जाए, इसमें फंगस ना लगे, जो थोड़े थोड़े वाइट लग जाते ख़राब हो जाते हैं वो सब नहीं लगे। इसके लिए बस हमें सब भून के अच्छे से निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे पीठी शक्कर लिया है, उसे अच्छे से करके हमें मिक्स करके एक साइड रख लिया है। फिर उसके बाद मेन इन्ग्रीडियंट, सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और मोयन लिया है घी का, गरम कर लिया था थोड़ा, घी को मोयन करके पानी से गूंद लिया है। बस उसके गोल गोल पेड़े बनाने हैं और कुछ नहीं। और रोटी जैसे बेलना है, जैसे छोटी छोटी पूड़ी नहीं बेलते हैं, बस ऐसे पूड़ी बना के इस तरह से हमें रखना है। मैंने इस तरह से करंजी बना लिया है, आपको बताती हूँ। इस तरह के शेप मिलते हैं आपको मार्केट में, इजीली शेप मिल जाएगी, कहीं भी 10-15-20 रुपए का मिल जाएगा, आप ले लीजिए। आप हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी रहता है, जल्दी जल्दी बन जाता है। तो बेस्ट ट्रिक ये है ना, अब इस तरह की रोटी जो पूड़ी होती है वो बना के रख लो फटाफट, 2-3 लोग हो गए तो हेल्प हो जाएगा, और 1-2 जन को बनाना है तो दो हो जाएगा, कोई बात नहीं इसमें। तो इस तरह से बस शेप में डालना है, पूड़ी को साइड में रखना है, और जो स्टफिटिंग है डाल के उसको प्रेशर से प्रेस करके बस निकाल लेना, और उसको पेपर पर रख देना ताकि वो थोड़ा कड़क हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मतलब अच्छा हो जाए, ताकि उसको फ्राई करने के टाइम पे उसका बहुत अच्छे से फ्राई हो कुरकुरा। और बस उसे फटाफट तेल में फ्राई करना है। अब एक साथ पूरी करंजी बना लोगे उसके बाद फ्राई करो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप करंजी बनाओगे फिर फ्राई करोगे तो वो आपको उसमें बहुत टफ पड़ेगा और जल्दी जल्दी नहीं बनेगा, फिर कढ़ाई जलेगी, आपकी तेल जलेगी। तो आप पूरी करंजी बना लीजिए और फिर उसके बाद फ्राई के लिए, ये देखिए मेरा कितने मस्त मस्त गोल्डन इस तरह से हमें फ्राई करना है, और उसे बस ठंडा होकर इंजॉय करना है, और साथ ही साथ और कुछ नहीं करना है। मैंने इसी तरह से बाकी सारी करंजी को अपने भून लिया था, बना लिया था,
इसी तरह से मैंने सारे बैचेस को फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ आपस पास में, और थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा रही हूँ उसके अंदर की स्टफ़ कितना मज़ेदार, सच्ची में खाने में भी बहुत टेस्टी था। अभी भी टाइम है, आप लोग बना सकते हो, ज़रूर बनाना और इन्जॉय करना दिवाली। हैप्पी दिवाली आप सबको, और साथ ही साथ दिवाली अच्छे से मनाना, और बी केयरफुल और टेक केयर। तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से एक और रेसिपी के साथ मिलूंगी, और इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेरी रेसिपी जैसे भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना, लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी हो। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।